भाई मुझे कुछ लोग समझ ही नहीं आ रहे, खाने पीने जैसे चीजों के ऊपर आप लड़ाई कर रहे हो, मुद्दा बना रहे हो, किचन में काम करने के ऊपर ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या चल रहा है लॉकअप के अंदर। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे बेफिजूल के मुद्दे भी बना रहे हैं, कुछ लोग सही मुद्दों पे बात भी कर रहे हैं। ये सब आज के एपिसोड में तो होगा ही, जिसके बारे में बात होने वाली है। लेकिन ऑब्वियसली स्टार ऑफ द शो इज गोइंग टू बी करण कुंद्रा, बिकॉज वंस अगेन काफी अमेजिंग काम किया है करण कुंद्रा आज एज जेलर, हमें दिखाई दी एपिसोड के अंदर। और एक क्लियर उनका जो एक इमेज है, उनका एक जो स्ट्रांग पर्सनालिटी है, इतना बाहर अच्छे से आ रहा है। और लग रहा है बॉस, अगर कोई परफेक्ट जेलर होता ये यही होता, करण कुंद्रा के अलावा कोई और जेलर बन ही नहीं सकता। काफी अमेजिंग काम कर दिखाया करण कुंद्रा ने, एंड डेफिनेटली एकता कपूर की दाद देनी पड़ेगी। हमेशा हीरा ढूंढने में ना ये एकदम स्मार्ट है लेडी। एपिसोड की शुरुआत करते, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है काफी फन नोट पे, जहां पे तहसीन शिवम बात कर रहे होते हैं पायल के साथ, एकदम सुबह सुबह बात कर रहे होते हैं कि लाइट अभी चालू नहीं हुई, ठीक है, अभी तो उनका वो जो इरिटेटिंग अलार्म है वो बजानी है। अब यहाँ पे पायल को शिवम एंड तहसीन बोलते हैं, एक्चुअली तहसीन बोलते हैं, शिवम तो चुपचाप खड़े होते हैं कि हम तो अभी तक फिलहाल किचन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि भले ही जब आप जीते थे हमारे थे, हमें बोला था 2 दिन के लिए काम करो, लेकिन फिर आप आ गए काम करने के लिए तो आपको सजा मिल गई। अब पता नहीं कि आपको सिर्फ 2 ही दिन किचन में काम करना है या और भी काम करना है। जब तक उनके कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आएंगे, हम किचन में जाके कोई भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम अटकना नहीं चाहते, हमें कोई बेफिजूल की पनिशमेंट नहीं चाहिए। तहसीन का पॉइंट वैलिड था, सेम चीज़ सारा निशाने भी पायल को बोली आगे जाकर, नो दिन में जब उनका अलार्म वलार्म बजता है सब उठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करने वाली बात ये है कि स्मोकिंग और एसिडिटी के ऊपर बात होगी, ठीक है, जहाँ पे पायल जो है शिवम तहसीन से बात करते कहती है कि मैंने सुना कि सारा कह रही थी कि मेरी जो सब्जी थी कल की अच्छी नहीं बनी थी, या दाल अच्छी नहीं बनी थी, बहुत ज़्यादा गरम मसाला हो गया था और उससे एसिडिटी हो जाएगी। तो बस अगर स्मोक भी करते हो तो स्मोक से भी एसिडिटी होती है, तो स्मोकिंग अगर कर रहे हो उससे भी एसिडिटी होती है, तो हर बार किसी के खाने के ऊपर मत बोलो, मैंने बड़े ही मन से खाना बनाया था। अब यहाँ पे पायल ने कहीं पर भी डायरेक्टली सारा का नाम नहीं लिया था कि सारा ये स्मोक करती है, ये करती है, वो करती है। इसका मुद्दा जो उनके वन साइडेड लवर है, यानी कि शिवम, शिवम ने पूरा बवाल मचा दिया, जाकर ये बात जो है सारा को बता दी। सारा आ जाती है सुबह सुबह, झगड़ा इनका शुरू हो जाता है स्मोकिंग के मुद्दे के ऊपर, जहाँ पे वॉशरूम के अंदर पायल को कन्फ्रंट करती है सारा और कहती है आपने ऐसी बात कही, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, मैंने ऐसा कब कहा कि आपकी सब्जी मुझे पसंद नहीं आई, आपकी दाल पसंद नहीं आई और गरम मसाला हुआ, मैं आपको सामने से भी आके बोली हूँ चीज़ें, तो आप ऐसे मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बात मत कीजिए कि एसिडिटी स्मोकिंग ये क्या कर रहे हो आप। तो पायल कहती हाँ, तो मतलब आप अपनी फैमिली के सामने नहीं दिखाना चाहते, सबके सामने ऐसे दिखा रहे हो काफ़ी भोले भाले हो, काफ़ी अच्छे हो, बुरी आदतें नहीं है, लेकिन क्यों नहीं बताते तुम स्मोक कर रहे हो, तुम मेरे खाने के ऊपर बोल रहे हो, मैं इतना मन से खाना बना रही हूँ, मेरे खाने को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, खाने के बारे में बुरा बोल रहे हो। और यहाँ पे जो है इन लोगों का अलग ही फाइट शुरू हो जाता है, वो कहते हैं कि मैं तो इस वे में बोल ही नहीं रही थी, शिवम ने गलत वे में लिया। फिर पायल शिवम को कन्फ्रंट करती है, कन्फ्रंट करने के बाद जो है अलग ही चीज़ सामने आ जाती है, जहाँ पे शिवम उनसे झगड़ा करने लगते हैं, पायल कहती है आप मुझसे इससे आगे बात मत करो। अब यहाँ पे जो है पायल ने भी अगर कोई चीज़ सारा एक सीक्रेट रखना चाह रही है, नहीं बताना चाह रही है, कुछ लोगों का होता है कि नो पेरेंट्स को नहीं बताना, दुनिया को ना पता चले, चुप रहो, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है पायल ने गुस्से गुस्से में सारा के बारे में बता दिया कि ओ तुम तो एकदम भोरी भारी बन रही हो, लेकिन तुम स्मोक कर रही हो, घर वालों से छुपके कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, पैसिव स्मोकिंग यहाँ पे मैं कर रही हूँ, तुम लोग के वैसे इतनी हिम्मत है तो बाहर खुलेआम करो, छुप छुप के किसी को बिना पता चले क्यों करती हो। यहाँ पे अभी तक लोगों को लग रहा था कि सारा स्मोक नहीं करती, लेकिन अब पायल ने काफी एविडेंट दिखा दिया कि बॉस सारा स्मोक करती है। तो वो एक चीज समझ में नहीं आई कि किस बात का ये मुद्दा था। मुनव्वर और केवी दोनों आपस में बात कर रहे हो, तो बोलते कि अब ये बड़े ब्लू टीम जो है बड़े ये कर रहे थे पायल पायल पायल, अब इन्हें पता चलेगा पायल की असलियत क्या है, हम कैसे पायल को झेलते, अब ये लोग पायल को झेलेंगे, अब आएगा मजा, अब ब्लू टीम की और फटेगी और भी ब्लू टीम टूटेगी। ये मुनव्वर एंड केवी का जो है अलग ही सीन चल रहा था। शिवम के साथ भी लड़ाई होगी पायल की सुबह सुबह, और साथ ही साथ सारा के साथ भी हो गई स्मोकिंग के टॉपिक के ऊपर। अब ये जो है ये सारा फाइट वाइट होने के बाद निशा भी आ जाती है बीच में, और ब्लू टीम जो है ऑरेंज टीम के पास जाती है और कहती है भाई हम लोग खाना नहीं बनाने वाले, जब तक हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगे हम खाने नहीं बनाएंगे, किचन लॉक कर देते हैं,
सुबह ही एक्चुअली तहसील लॉक कर चुके होते हैं, बोलते हैं कि अगर आप खाना बनाने वाले हो, अगर आप चाय बनाने वाले हो तो ही हम आपको ये देंगे, हम तो आज खाना नहीं बनाने वाले, एटलीस्ट हमें जब तक जेलर नहीं बोलते, जब तक करण कुंद्रा नहीं बोलते या फिर यू नो वार्डन नहीं बोलते, हम तब तक कुछ भी किचन का काम नहीं करेंगे, सारी किचन का काम आप करो। अब यहाँ पे केवी एक अच्छा ऑप्शन देता है कि जहाँ तक हमें पता है इन्होंने क्या बोला था, खाना नहीं बना सकते और परोस नहीं सकती, खाना हम बना देंगे परोस हम दूंगे, एक काम करो बर्तन आप लोग घिस दो। यहाँ पे तहसीन बोलते हैं नहीं नहीं हम तो नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे जो है अंजलि बिल्कुल सही पॉइंट सामने रखती है कि एक काम करते हैं, अब हमारे टीम से कोई भी इंसानियत की बात नहीं करेगा, इंसानियत इंसानियत करके हम लोग जाते करने हमारी बैंड बजा देते हैं, ये लोग इंसानियत नहीं दिखाते तो हम लोग इंसानियत क्यों दिखाएं। लड़की बोल गई, लड़की थोड़ा सा सही भी बोल रही है, दो दिन से गलत ही जा रही थी, आज फाइनली सही जाते हुए अंजलि दिखाई थी, जहाँ पे उसने सही स्टैंड लिया कि बॉस हम लोग तो फ्रूट्स पे ही गुजारा कर लेंगे लेकिन हम खुद से खाना नहीं बनाएंगे। अब इसी बीच जो है टेलीविजन पे उनके मैसेज आ जाता है कि किचन दोनों टीम्स के लिए खुल गया है इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व होता है, और सारा जो है निशा जो है अंदर किचन में खाना बनाने के लिए चल जाते हैं। लेकिन किचन खुलने के पहले यहाँ पे सारा जो है जैसे ही काम शुरू हो जाता है सारा आ जाती है अंदर और बेडरूम में रोने लगती है, उसके पीछे पीछे निशा एंड शिवम भी आ जाते हैं कि क्यों रो रहे हो क्या रो रहे हो, देखने के लिए कि यू नो इफ़ यू आर फीलिंग अलोन कैन वी टॉक टू यू। तो यहाँ पे निशा जो है सारा के पास जाने की वजह से सारा और ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि ये कैसी लड़की है, कैसे बात कर रही है, फैमिली को सब कुछ पता है, ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स को पता है मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, पर मुझे ऐसे नेशनल टेलीविजन पे उनको ये दिखाना नहीं था, दे नो इट, इट इज़ नॉट लाइक कि मैं उनसे छुपा रही हूँ, बट इट्स जस्ट लाइक मुझे नेशनल टेलीविजन पे ये चीज़ें नहीं लानी है, जिस वजह से आई एम कीपिंग इट अंडर द रैप्स। लेकिन ये पायल को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो निशा भी यहाँ पे जो है बोलती है कि हाँ पायल की गलती है, पायल ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, शी शुड हैव यू नो रिस्पेक्टेड यू लिटिल बिट, और तुम्हारे डिसीजन को भी उसने रिस्पेक्ट करना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ जो है यहाँ पे रोने धोने के बाद ख़त्म हो जाती है। बाहर टेलीविजन पे एक न्यूज़ आती है जहाँ पे हमें पता है दो दिन पहले अकल बड़ी अभ्यास का जब टास्क था तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम पूछा गया था रामनाथ कोविंद जी, इनका नाम जो है इन चारों लड़कियों को नहीं आया था, यानी कि सायशा सारा निशा नहीं पूनम पायल निशा एंड सारा इनको नहीं आता, सायशा नहीं थी, इन चारों को नहीं आया था, इसीलिए नेटिजन्स जो है इन लोगों को ट्रोल कर रहे थे, ये वाली न्यूज़ दिखा दी। अब यहाँ पे सब लोग माफ़ी मांगते हैं कि भाई हमें नहीं पता है था, माफ़ कर दो गलती हो गई है वो, लेकिन सारा कहती नहीं हमने सॉरी सिर्फ रामनाथ जी से मांगनी चाहिए, हमारे प्रेसिडेंट से मांगनी चाहिए, क्योंकि हमें उनका नाम नहीं पता था, हम किसी और को किसी और के लिए माफ़ी मांगने के लिए नहीं बैठे हैं। तो यहाँ पे अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है सारा सामने रखते हुए नज़र आती है, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही भी है कि अगर इन्हें नहीं पता है तो अगर ये माफ़ी मांग रही है और नेशनल टेलीविजन पे या OTT प्लेटफॉर्म पे इन फ्रंट ऑफ लाइक यू नो डायरेक्टली प्रेसिडेंट सर को एड्रेस करके अगर वो बोल रही है तो ठीक है, लेकिन अगेन जहाँ तक सारा एक साइड पे सही लगती है, वही दूसरे साइड ऑफ कॉइन में ऐसा भी लगता है कि ये तो इन्फ्लुएंसर्स है, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, इन लोगों के ओपिनियन मैटर करते हैं, तो अगर ये इतने बड़े बड़े लोग ही प्रेसिडेंट का नाम नहीं जानते हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम अगर नहीं जानते तो मतलब ये कितनी बड़ी गलत बात है। अगर इन्हें ही नहीं पता तो इन्हें जो रोल मॉडल लोग मानते हैं वो लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनका माफ़ी मांगना भी सही था, जो सारा के अलावा बाकी सब लोगों ने माफ़ी मांग ली थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मुद्दा उठ जाता है खाने के ऊपर, यानी कि पोहे जो है इसको कम पड़ गए निशा को, जिसके ऊपर वो बोलने लगी कि ये आटे वाला पॉइंट तो मैं याद रखूंगी, आटा बचा हुआ था फिर भी खाना नहीं बना, मैं भूखी हूँ, ये हुआ वो हुआ। अब यहाँ पे जो है आपको पता है कि गैस लिमिटेड समय के लिए आता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए इन लोगों ने अपनी चीज़ें करनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने वो चीज़ें की ही नहीं, और ठीक है चलो अभी ये भूखे हो गए, तो इसमें ऑरेंज टीम की क्या गलती है, इनके ब्लू टीम को पता होना चाहिए कि यहाँ पे निशा नहीं है तो इसका खाना हम थोड़ा साइड में रखते हैं। पर अगेन यहाँ पे एक अलग ही मुद्दा बन गया, झगड़ा शुरू हो गया, फिर पायल भी बीच में आ गई, फिर पायल ने आके एक और बड़ा खुलासा किया कि पराठे के ऊपर जो एक दिन पहले बबीता ने बनाया था उसके ऊपर तहसीन ने कहा था कि ऑरेंज टीम में से एक पर्सन को आपका पराठा अच्छा नहीं लगा था, बाकी सबको अच्छा लगा था। अब इसके ऊपर लोगों का जो डायरेक्शन है वो चला गया सीधा तहसीन के ऊपर कि भाई तहसीन क्या चल रहा है तेरा, तब वो कहता है कि नहीं बाबा मैंने तो मतलब मैं नाम नहीं लेने वाला, बट किसी एक ने मुझे कहा था, मैं निगेटिव वे में नहीं अच्छे वे में बोल रहा हूँ कि एक जन को छोड़ के सबको अच्छा लगा था। तो यहाँ पे ऑरेंज टीम जो है बबीता को समझाने में लग जाती है कि नहीं नहीं आप अच्छा बनाते हो हमें पसंद है ये वो, बबीता उसका कोई मुद्दा नहीं बनाती, ये लोग बाकी लोगों ऐसा लग रहा था कि पोहे के ऊपर सिगरेट के ऊपर एसिडिटी के ऊपर
यू नो किचन में काम ना करने के ऊपर, पोहे के ऊपर और अभी पराठे के ऊपर, मतलब बेफिजूल के चीज़ों के मुद्दे बनाते हुए नजर आ रहे, जो मुद्दों की एक्चुअली जरूरत ही नहीं थी। मतलब कुछ भी था, मतलब समझ ही नहीं आ रहा इनको करने की क्या जरूरत है, क्यों ही कर रहे हैं। तो मुझे तो वो पॉइंट काफी ज्यादा स्टूपिड लगा। उसके बाद जो है अभी अंजलि, सिद्धार्थ और पूनम बैठे थे, पानी पी रहे थे। पानी जो है उसे अलग से टेस्ट आ गई, अंजलि को पूनम को दिया, तब पता चला इसमें तो यू नो वॉशिंग पाउडर जो यूज करते कपड़ों की उसका स्मेल आ रहा है। तो उसने जब जो वेसल होता है जिनके अंदर इनको पानी दिया था कॉपर का, वो ऐसे ऐसे हिलाती है पानी डाल के, उसमें शेक करने के बाद पता चलता है कि भाई साहब इसके अंदर तो साबुन है, साबुन का फोम आ रहा है। अब यहाँ पे जाते हैं अलग सा मुद्दा बनाने, ब्लू टीम में से पूछने के लिए, आप में से किसने बर्तन धोए, हमें हमारे पेट में ऐसा जा रहा है वैसा जा रहा है। और ब्लू टीम कहती है भाई हमने तो नहीं किया, आज हमने बर्तन धोए लेकिन हमने तो ये नहीं किया, आपके टीम को पूछ लो। पूनम कहती है भाई ये टीम की बात नहीं है, मैं मुद्दा बनाने नहीं आई हूँ, क्लियर पूछ रही हूँ जो भी कर रहे हैं, कि कोई भी कर रहा हो, कोई भी कंटेस्टेंट यहाँ पे हो, कोई भी कैदी कर रहा हो, नहीं करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारे पेट के अंदर हम साबुन वाला पानी क्यों पिए। तो ये मुझे थोड़ा सा सेंसिबल लगा पूनम का, पूनम एज सच कोई मुद्दा बनाने नहीं गई, लेकिन बाकी लोगों से मुद्दा बनाने के लिए, स्पेशली अंजलि तो मुद्दा बनाने के रेडी थी। और लग ही रहा है कि अंजलि दिखने के लिए ना किसी भी लेवल तक जा सकती है, मतलब कोई भी गेम हो, पॉलिटिक्स हो, किसी के खिलाफ कुछ बोलना हो, लड़ाई झगड़ा करना हो, गॉसिपिंग बिचिंग करनी हो, इसमें अंजलि आगे रहती है। और अंजलि काफ़ी नेगेटिव लाइट में मुझे फिलहाल दिखाई दे रही है। अब इसी के बीच जो है करण कुंद्रा की एंट्री हो जाती है लॉकअप के अंदर, जहाँ पे उसे देख सारे लोग जो है खुश हो जाते हैं। ऑब्वियसली करण की एंट्री है, इट्स अ ह्यूज डील। जब वो लाइव फीड पे आए थे तभी भी फैंस ने काफ़ी ज़्यादा जो है उन्हें पसंद किया था, और अब एपिसोड में भी दिखाई दे जहाँ पे वो सबको बताता है कि किस तरीके से ये शो नंबर 2 है OTT पे फिलहाल, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, खुश है। उसके बाद पहले अत्याचारी खेल के लिए बाहर लेके जा रहे थे, अत्याचारी अरीना में, तो इन सारे कंटेस्टेंट्स के ऊपर जो है कैदियों के ऊपर मास्क लगा दिए, काला कपड़ा डाल दिया, जिसके बाद एक एक टीम को पहले ब्लू को और फिर ऑरेंज टीम को करण जो है अरीना में लेके आते हैं। अरीना में करण जो है गेम समझाते हैं कि ऊंची है बिल्डिंग नाम का टास्क है, और आपको उस टास्क के तहत बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने हैं, ब्लॉक से आपकी बिल्डिंग बनानी है, जिसके सबसे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग होगी वो जीत जाएगा। ऑरेंज टीम से सिद्धार्थ एंड करण आते हैं, करणवीर आते हैं, करणवीर सिद्धार्थ कम्पीट कर रहे हैं अपनी टीम ऑरेंज के लिए। ब्लू टीम से साइशा और शिवम खेलने आते हैं, बाकी लोग जो है बैठ जाते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हें देखने के लिए लाइव ऑडियंस का भी करण जो है इंतजाम करते, कहते कि कुछ लोग ट्रोलर्स होते हैं जो आपको ट्रोल करते हैं, कुछ लोग आपके फैंस होते हैं, फैमिली होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं जो आपके हमेशा साथ देते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों को हमने यहाँ पे बुलाया जिन्होंने फेस पे मास्क लगा के रखा था, ऑरेंज मास्क कुछ लोगों के चेहरे पे थे, कुछ लोगों के चेहरे पे ब्लू मास्क थे। तो यहाँ पे जो है अपनी अपनी टीम को शेयर करने के लिए वो आए थे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सेटअप था, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था कि यू नो बाकी अलग जो सेट होता था इन लोगों का, लॉकअप में अलग ही चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पे अलग चीज़ें होती हुई हमें दिखाई दे रही थी। अरीना सेटअप किया था, काफ़ी ह्यूज था, कैमराज बहुत सारे थे, और किसी रियलिटी शो में ऐसा पहली बार हो रहा है कि लॉकअप मतलब जो सेट है उस सेट से बाहर आकर और एक सेट में वहाँ पे जो है इन लोगों के साथ टास्क कराया जा रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टास्क था। साइशा शिवम खेल रहे थे, साइशा वॉज प्लेइंग रियली वेल, मुझे साइशा के लिए बहुत बुरा लगा। शिवम को क्लियरली बताया गया था कि आप अभी कैसे रूल है, एक पर्सन इज गोइंग टू मेक द ब्लॉक्स, ऊंची बनाएगा बिल्डिंग, और दूसरा जो प्लेयर होगा वो सामने वाले पर्सन की जो जो भी बिल्डिंग बना रहा होगा उसे ब्लॉक्स मार के जो है उसकी बिल्डिंग तोड़ेगा, या फिर उधर तक जा सकता है, उस वो पोल से बंधा हुआ है लेकिन वो वहां तक जा सकता है और तोड़ सकता है। अब यहाँ पे साइशा वॉज प्लेइंग वेल, साइशा करण दोनों सेम लेवल पे थे पहले दो राउंड, लेकिन शिवम ने बाद में प्रॉब्लम कर दिया, अगेन उसका अग्रेशन बेफिजूल, मतलब पता नहीं क्या ही करता है, एंटरटेन कभी कभी अच्छा कर लेता है लेकिन एट टाइम्स इतना इरिटेटिंग हो जाता, यू कैन नॉट एक्चुअली एक्सप्लेन कि भाई ये क्या कर रहा है। यहाँ पे करण ने क्लियरली बोला, ठीक है आपके जेलर ने आपको क्लियरली बोला है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना है, या फिर आप खुद जाके तोड़ फोड़ कर सकते हो, खुद जाके रोक सकते हो, खुद जाके बिल्डिंग तोड़ सकते हो। यहाँ पे शिवम मस्त अपने हेलमेट वेलमेट निकाल के फेंक के मार रहा है, थैंकफुली करण को लगा नहीं, दोनों जूते मारे, इवन आफ्टर करण इज सेइंग मत करो फिर भी करणवीर के ऊपर जो है इसने फेंक दिया, उसके ब्लॉक तो टूटे नहीं, निशाना तो चूक गया। लेकिन उसके बाद जो है करण ने शिवम को साइड में बैठा दिया कि अब तू ये गेम नहीं खेलेगा, ये तू बैठ जा साइड में एक राउंड। अब यहाँ पे बेचारी साइशा अकेली करी थी, ब्लू टीम से कोई भी एक्चुअली चेयरअप नहीं करा था, मतलब थोड़ा बहुत आवाज आ रहा था निशा का, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नो वन वाज एक्चुअली चेयरिंग फॉर साइशा, कोई उसे गाइडेंस नहीं दे पा रहा था।
जो गाइडेंस ऑरेंज टीम काफी अच्छे से दे रही थी, यू नो करो करो करो, अच्छा करो, कम ऑन यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. करण एंड सिद्धार्थ भी एक दूसरे को, करणवीर और सिद्धार्थ एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए नजर आए. काफी अच्छे तरीके से उन लोगों ने टास्क खेला और क्लियरली वो टास्क जीत गए बिकॉज साइशा वॉज ऑल अलोन. मतलब वो क्या ही करती. अब एंड में भी बॉल्स दिए गए थे कुछ, एंड के लास्ट 2 मिनट्स में दो ऑरेंज दो ब्लू बॉल्स. एक तो एक बॉल एक ही टाइम यूज किया जाएगा, अगर चाहे तो चारों प्लेयर एक एक करके ले सकता है या कोई अगर एक या दो लेना चाहे ले सकता है और एक एक शॉट मार के आप बिल्डिंग गिरा सकते हो. शिवम ने ले लिया, शिवम ने दो शॉट्स मारे, दोनों के दोनों चूक गए, नहीं लगा. लास्ट के 5 सेकेंड्स में करण ने भी मारा और करण ने मारने के बाद जो है टूटा तो नहीं करणवीर के हाथ से, लेकिन साइशा ने जैसे ही बिल्डिंग से हाथ निकाल दिया उसकी पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई, जिसके चलते करणवीर और सिद्धार्थ जो है जीत जाते हैं, यानी ऑरेंज टीम की जो जीत है वो पक्की हो जाती है. एंड इट इज फुल एंड फाइनल, इट इज वेरी क्लियर कि बॉस यही है असली विनर. और बस अब इनका क्या प्राइज होने वाला है ये करण ने बता दिया कि आपको सही वक्त आने पे पता चल जाएगा. और करण उनकी लीव लेते हैं. आज के एपिसोड में ज्यादा हमें करण नहीं दिखाई दिए. आई नो जिस तरीके से कल लाइव में दिखाई दिए बहुत सारी चीजें उन्होंने कही, लेकिन बहुत सारी चीजें जो एडिट आउट हुई करण का ज्यादा पोर्शन नहीं दिखाया. बट डोंट वरी, कल के एपिसोड में आपको जरूर देखने मिलेगा क्योंकि आज बहुत सारी चीजें लाइव फीड में आके करण ने करी है. राइट फ्रॉम द झोलघर वाला टास्क मुनव्वर के साथ, मुनव्वर के कैसे डिसीजन थे वो भी हमें कल के एपिसोड में देखने मिलने वाले हैं. साथ ही साथ हम लोग को बहुत सारी चीजें दिखाई देने वाली है जहाँ पे करण के आने के बाद बहुत सारी राज जो है वो भी खुलने वाले. तो कल का एपिसोड इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग देन टुडेज एपिसोड फॉर श्योर. तो आई नो करण के कुछ फैंस डिसअपॉइंटेड है कि आज ज्यादा करण नहीं दिखे थे, बट टुमोरो ढेर सारा करण का कॉन्टेंट आपको दिखाई देने वाला है. सो कल के एपिसोड के लिए जरूर तैयार हो जाइए. कमिंग बैक टू दिस गेम, यहाँ पे एक्चुअली सब लोग ने अगर देखा ना तो अच्छे खेले, चारों ने अच्छा खेला. शिवम इतना बुरा भी नहीं खेल रहा था, बस उसकी टीम उसे गाइड नहीं करी, तो थोड़ा सा एग्रेशन आ गया उसका और एग्रेशन के चलते उसने वो हेलमेट और जूते वूते फेंके. अब यहाँ पे जो है करण बिल्कुल सही चीज़ बोलते हैं एंड में जब इनका गेम खत्म हो जाता है कि साइशा, करणवीर एंड सिड इन तीनों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, सिर्फ अग्रेशन नहीं दिखाया, दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने गेम खेला. इस वजह से जो है वो तीनों अच्छे खेल पाए और शिवम ने सिर्फ और सिर्फ अग्रेशन दिखाया. अगर वो अग्रेशन के बदले थोड़ा सा दिमाग भी अगर यूज कर लेते तो शायद उनका योगदान आज के गेम में अत्याचारी अरीना में अच्छा होता. तो ये भी बात बिल्कुल सही थी. अब यहाँ से बाहर आ गए, फिर से उनके फेस के ऊपर मास्क डाल दिए और जो वैन थी वैन के अंदर बिठा के इन लोगों को टीम बाय टीम जेल में वापस ला दिया गया. अब लॉकअप के अंदर आने के बाद निशा और सारा की बातचीत हो रही है कि बाकी सब लोग अच्छे हैं. केविन ने अच्छा खेला, सिद्धार्थ डेफिनेटली उसका हार्ट बहुत अच्छा है, मुनव्वर भी अच्छा है, एक्चुअली पूरी की पूरी ऑरेंज टीम अच्छी है. बस अंजलि काफ़ी नेगेटिव वाइब्स देती है और यू नो गंदी लुक से देखती रहती है, कुछ भी बोलती रहती है, तो अंजलि बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड अंजलि इज़ नो फन. एंड अभी धीरे धीरे पूनम से भी नेगेटिव वाइब्स आ रही है, इस तरीके से सारा और निशा डिस्कस कर रहे होते हैं और तभी ही जो है ऑरेंज टीम आ जाती है. ऑरेंज टीम आने के बाद ईच एंड एवरी पर्सन गोज एंड कंग्रेचुलेट्स साइशा की, अरे तुमने बहुत अच्छा खेला, शिवम को बोला काफ़ी अच्छा खेला, शिवम को चोट भी लग गई. ऑरेंज टीम को भी कंग्रेचुलेट किया ब्लू टीम ने ऑरेंज टीम के जीतने के ऊपर. लेकिन एक चीज़ दिखाई थी कि जिस तरीके से साइशा को बोला वेरी वेल प्लेड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो, यू नो यू ऑलमोस्ट देयर, कड़े के कांटे की टक्कर थी ये वो, जैसे मोटिवेट ऑरेंज टीम कर रही थी वैसे उनकी खुद की टीम नहीं कर रही थी. उसके वजह से जो है उसे गाइडेंस कम मिली, इसीलिए साइशा और शिवम कहीं ना कहीं गेम में पड़े कम. लेकिन अगर उनके टीम का गाइडेंस होता तो एक्चुअली ये दोनों अच्छे खेल पाते. बट अगेन ऐसा होता है ना कि व्हेन यू आर कम्पीटिंग एंड यू आर सीइंग कि बाकी की दुनिया आपको देख रही है, लेकिन अगर आपकी खुद की टीम आपको मोटिवेट नहीं कर रही, सपोर्ट नहीं कर रही, तो आप क्या ही गेम खेलोगे. तो वो एक जो बात थी वो बेचारे साइशा और शिवम को झेलनी पड़ी. वरना ठीक है, हाँ शिवम ने थोड़ा दिमाग और लगाना चाहिए था अग्रेशन के बदले, बट उसके टीम ने भी उसे सपोर्ट करना चाहिए था, गाइड करना चाहिए था जिस तरीके से ऑरेंज टीम कर रही थी. सो ये तो चीज़ हुई ब्लू टीम और ऑरेंज टीम की. और सिद्धार्थ अंजलि जो है, हाँ अब यहाँ पे जो है ना कैदियों को एक मैसेज आ जाता है कि आपको आप में से किसी एक पर्सन को चूज करना पड़ेगा ऑरेंज टीम को, जिससे झोलघर में जाने का मौका मिलेगा. अब यहाँ पे पायल कहती है मुझे जाना है, मुनव्वर कहता है मुझे जाना है, सिद्धार्थ अंजलि दोनों बात कर रहे होते हैं. सिद्धार्थ जो है वो कहता है कि मैं जाना तो चाहता हूँ यार, मतलब मैंने खेला भी है, बैक टू बैक टास्क खेला. फिर अंजलि बोला अरे तू और मैं तो बाहर जाके, इन लोगों को
कुछ किसी भी चीज का मौका नहीं मिला, तो ऐसे नहीं करते कि हम लोग खेल रहे तो हम ही जीतेंगे। एक काम करते हैं, केवी या मुनव्वर को दे देते, तो इन दोनों को जाने का वैसे भी इंटरेस्ट है, केवी ने भी अच्छा खेला। सिद्धार्थ कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पूरी ऑरेंज टीम डिस्कस करती है और नाम जो है केवी का लिया जाता है, सिद्धार्थ का लिया जाता है, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि नहीं मुझे केवी या फिर मुनव्वर गए तो कोई इशू नहीं। फिर मुनव्वर केवी को कहता है यार मुझे जाना है। केवी कहता है ठीक है अगर तुझे जाना तो ठीक है तू जा, कोई नहीं एंजॉय कर। अभी ये एंजॉयमेंट एक्चुअली केवी को ही भारी पड़ने वाली है, ये कल के एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि एक्चुअली आपको मैं स्पॉइलर ही दे देती हूँ। चलो आज लाइव फीड में जो देख लिया, लाइव फीड में होता ऐसा है कि झोलघर के अंदर ऐसा कुछ झोल होता है जिसके वजह से करण कुंद्रा की बात सुनकर, झोल देखकर मुनव्वर वो झोल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, टेम्पटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड उसके बदले करणवीर बोहरा को जो है नॉमिनेट कर देते हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट डाल देते हैं। उसके बाद मुनव्वर और करणवीर बोहरा के बीच जो है केवी के बीच काफ़ी क्या कह सकते गर्मा गर्मी का माहौल होने वाला है, वो आपको कल देखने मिलेगा कल के एपिसोड में, आज ये लाइव फीड में देखा गया था। बट एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट इज सायशा काफ़ी सैड थी कि यू नो मोटिवेट नहीं किया ये वो, तो इसके बारे में भी करण आके कल के एपिसोड में चीज़ें बोलने वाले, तो कल का एपिसोड देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब एंड में क्या होता है कि अंजलि जो है मुनव्वर के पास रात को बैठ के बात कर रही होती है, और पता है क्या कहती है कि मुझे केवी है ना, केवी एकदम स्टार्ट में उसने बोला कि उसकी शादीशुदा फ़ोटो जो है, मतलब शादी की फ़ोटो शायद थी या जो भी टीजे के साथ उनकी फ़ोटो थी, उसके साथ बोल रहे थे कि देख अब तो मेरी उम्र हो गई है, तो हम लोग ना ऐसा कर सकते हैं कि एक वन साइडेड लव वाला एंगल खेलते हैं, मेरी तो शादी हो गई है, तू मेरे प्यार में पड़ जा, तू मेरे प्यार में पागल हो जा, एंड शो दैट वी हैव अ लव एंगल, शो दैट वी हैव अ लव एंगल। सो उससे ना लोगों को देखने में इंटरेस्ट आएगा दैट मेरी तो एज हो गई है बट यू आर ऑल्सो लाइक स्टिल लाइकिंग मी, यू आर लाइकिंग अ ओल्डर मैन, तो एक अच्छा एंगल बनेगा, तो तू ऐसा कर सकती है ये वो, ऐसे अंजलि मुनव्वर को कह रही थी, कहते हुए नजर आई। अब यहाँ पे जो बात की है इसका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब ये यू ही बोलने के लिए बोल रही है, मुनव्वर को अपने साइड करने के लिए बोल रही है, करणवीर के अगेंस्ट आग लगाने बोल रही है। मतलब करणवीर एंड अंजलि का काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, आई डोंट नो वाई इज अंजलि ट्राइंग टू स्पॉइल, बट 100% कंगना जजमेंट डे पे ये टॉपिक ज़रूर निकालने वाली है और अंजलि को इसके जवाब देने पड़े, क्योंकि लाइव फीड में कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया जहाँ पे करणवीर अंजलि से कहीं पे भी ऐसे कहते हुए नजर आए थे कि लव एंगल वगैरह करते। अब पता नहीं ये सच है या झूठ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती है जो कभी हमें नहीं दिखाई जाती, शायद उन्होंने कट कर दिया होगा या फिर जिस दिन लाइव फीड बंद होगा, बिकॉज जब जजमेंट डे की शूट होती है तब लाइव फीड बंद होता है, तो शायद तब की भी ये बात हो सकती है। सो नेवरदलेस हमें पता चल ही जाएगा कभी ना कभी, और मुझे तो लग रहा है डेफिनेटली वीकेंड के टाइम पे, जजमेंट डे के टाइम पे इसकी बात होगी। अंजलि मुनव्वर से कहती है मुझे तुझ पे विश्वास है, किसी को मत बोल या अपने तक ही रख। मुनव्वर कहता है नहीं नहीं मैं किसी को नहीं बोलूंगा, अपनी तरफ ही रखूंगा। यहाँ पे जो है वो उसे यकीन नहीं होता कि केवी ऐसी चीज़ बोल सकते हैं, बट ही इज़ लाइक ओ अगर ये ऐसी चीज़ बोल सकते तो बड़ी बात है। तो अब ये जो बड़ी बात है ये तो हमें वीकेंड के टाइम पे कंगना बताएगी, और उसके बाद लग रहा है कि केवी की आंखें खुलने वाली है कि ना मुनव्वर उसका है ना अंजलि उसकी है। सो केवी जो बड़े ताव में चल रहा था ना, मेरी टीम मेरी टीम मेरी टीम, अब दिखेगा उसकी टीम क्या है, देख लेट्स सी केवी की आंखें किस तरह से खुलती है। बट आज का एपिसोड ओवरऑल अगर देखें तो करण के आने से अमेजिंग हुआ, अमेजिंग अरीना का टास्क उन्होंने खिलवाया, किस तरीके से गाइड भी किया कंटेस्टेंट्स को, कैदियों को, वो भी देखना काफ़ी दिलचस्प था। अंजलि पता नहीं नेगेटिव क्यों जा रही है, जा रही है नेगेटिव थोड़ी सी, एंड अगर ये केवी वाली बात झूठी निकली तो उसके लिए ये गेम बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू टेक हर इन अ नेगेटिव वे। अगर बात करें सायशा की, सायशा बेचारे एक्चुअली अच्छी खेली थी, मुझे उसके लिए काफ़ी बुरा लगा लाइक, बट ऑरेंज टीम अगेन वेल प्लेड, मज़ा आया, तो आज का एपिसोड ओवरऑल अच्छा था। बट अगर ये लोग करणवीर और सिद्धार्थ का जो गेम है जहाँ वो जीत रहे थे और सायशा शिवम हार रहे थे, वो वाले पोर्शन को थोड़ा और दिखाते, करण कुंद्रा को थोड़ा और दिखाते, तो शायद एपिसोड में थोड़ा मज़ा आता। इन लोगों की यू नो स्मोक के ऊपर, एसिडिटी के ऊपर, पोहे के ऊपर, पराठे के ऊपर, ये सब लड़ाई कम दिखाते और ये कॉन्टेंट ज़्यादा दिखाते तो मज़ा आता, क्योंकि लाइव फीडकल मैंने देखा था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। राधे ना आज के एपिसोड में कुछ दिखाया, तो बस होपफुली ये लोग ऐसे छोटी मोटी चीज़ों का मुद्दा बनाना बंद करें और एक्चुअल अच्छा कंटेंट दे, यही प्रार्थना करते हैं इन कैदियों से। वेल आज का एपिसोड यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और आप मुझे ज़रूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा एपिसोड, अच्छा बुरा, करण के एंट्री पे आपको क्या है कहना,
हाउ डिड यू फाइंड करण्स वर्क टुडे, जेलर करण कुंद्रा के बारे में क्या कहना चाहते हो, ऑरेंज टीम के सपोर्ट में हो या फिर ब्लू टीम के, कौन सी टीम आपकी है फेवरेट, कौन सा प्लेयर है आपका फेवरेट, बता दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू गाइस सून, तब तक के लिए बाय बाय।